बेटा अपने आप करके आ जाएगा क्या शॉपिंग, अपने आप आ जाएगा पाउना फिर चल आ जाओ। भाई ये सारी शॉप खंगालने के बाद ये सारे कपड़े लग रहे ना दूर तक, तो ये दो पसंद आए तो बाहुने दे दिखाओ भाई ना कैसे लग रहे हैं। तो आयरलैंड के बारे में ना कई भाई ये पूछा है कि भाई यहाँ पे वर्क परमिट कैसे लगता है और क्या कंडीशंस होती है और क्या जरिया है यहाँ पे आने। बाय रायन, चलो खाना खा लो फिर बाहर चलेंगे ठीक है, घूमी घूमी कर जाएंगे फिर। ओके लो भैया आपने दिखाया था बाहर का मौसम आज का ना, और हल्की हल्की सी भाई हवा चल रही क्योंकि ना इस टाइम मौसम चेंज होने लग गया। और यहाँ पे लगाए भाई देखो हमने ना कैमरा, ये लग रहा है। हाँ बेटा ठीक है, नमना का ही खा लो फिर बाहर लेकर चलेंगे पापा। ओके बाय रायन। ठंड लग रही भाई आज तो, भाई प्रॉपर अब तो जैकेट पहन के जाना पड़ेगा भाई ना जिम में। और साथ ही मैंने ना भाई ना गाड़ी ऊपर उठाने वास्ते अगर पंचर हो जाए ना आपकी गाड़ी में तो वो जैक बोलते हैं जैसे, वो भी लेके आना। वो देखते हैं भाई कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास पड़ा है, लेकिन वो भाई ना चालू माल ही है। जो भाई हमारा सुबह उठने का टाइम है ना वो है भाई 11:30 या 11:30 बजे सुबह, सुबह लगा लो या दोपहर को लगा लो, इंडिया के हिसाब से भाई दोपहर ही है। और इस टाइम हम उठते हैं तो रायन का जो स्कूल है वो है भाई 12:45 पे, तो 12:45 में रायन ना स्कूल में उतार के फिर हम अपना दिन की शुरुआत करा, उस दौरान भाई मैं अपनी जिम वगैरह भी फिनिश कर लेता। लो भाई ये आ गई अपनी जिम, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जिम, यानी कि भाई ये 24 घंटे खुला है अपनी जिम ना। लो भाई ये आ गई इस जिम की कार पार्किंग, और कार पार्किंग भी भाई पूरी फुल लग रही लेफ्ट राइट में, देखते हैं भाई कहीं पे जगह मिल जाए और गाड़ी लगा के चलते हैं सीधा अंदर। तो ये था अपना फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाते हुए सेकंड पे इन्होंने लिख रखा फोकस पे ऑन करना है, मोटिवेशन पे ऑन करना है, डेडिकेशन पे ऑन करना है, ऑफ सिर्फ भाई एक्सक्यूज पे करना है, एक्सक्यूज पे ही। और ये रही भाई अपना नीचा कोई गैरेज है भाई, कोई एजेंसी वगैरह से गाड़ी गुड़ी परचेज सेल का ना, तो हमने जाना भाई नीचे सेकंड फ्लोर पे, मिडिल फ्लोर पे ना। ये आ गया भाई अपना मिडिल फ्लोर। ये सारी कार पार्क इस टाइम खाली पड़ी, और जब मैं जिम जा रहा था मैं सारी कार पार्क फुल पड़ी थी। तो आयरलैंड के बारे में ना कई भाई ये पूछा है कि भाई यहाँ पे वर्क परमिट कैसे लगता है और क्या कंडीशंस होती है और क्या जरिया है यहाँ पे आने का ना। देखो भाई दो चीजें हैं, स्टडी वीजे पे आ जाओ, स्टूडेंट वीजे पे आ जाओ, या फिर भाई वर्क परमिट लगा के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप इंडिया में दूसरी कंट्री में काम करते थे ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा भाई जो आयरलैंड में वेबसाइट है यहाँ पे जहाँ पे वर्क परमिट आप चेक कर सकते हो अपने आप ना कैसे वर्क परमिट लगता है, कहाँ से कौन सी फील्ड में किन किन कैटेगरीज में वर्क परमिट लगता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी कंट्री में ना आप काम करते हो उन फील्ड में, तो आप वर्क परमिट अपने आप भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे jobs.ie उस वेबसाइट पे जाके अपने लिए कोई जॉब देख लेते हो, यहाँ की किसी कंपनी के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपका वर्क परमिट लग जाता है। बट भाई इतना इजी नहीं है, कई भाई पूछते हैं कि मेरे को जैसे बुला लो वहाँ पे या फिर मेरे को पेपर भेज दो, भाई देखो आयरलैंड में इतना ईजी नहीं है वर्क परमिट लेना, फिर भी जैसे अपने आप चेक कर सकते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वीडियो को भी लिंक डाल दूंगा जो मैंने लास्ट टाइम बनाई हुई थी वर्क परमिट इन आयरलैंड की, कैसे वर्क परमिट और क्या कंडीशंस और किस किस जगह पे वर्क परमिट लगता है, कि लगा लो भी जो काम यहाँ पे वर्क परमिट देते हैं आपको जैसे कि ड्राइविंग में या फिर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर हेल्थ केयर में, डॉक्टर के फील्ड में, आईटी में, आईटी वैसे यहाँ पे बहुत वर्क परमिट लगता है अभी ना, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो उस वीडियो के दौरान ना। बेटा खोल राय नहीं होना पक्का अंदर शॉपिंग बंद कर लो। चल बेटा तै भी पहन ले शूज आ जा, किस टाइम आ गई पाउना कार्स खान, वो तो 5:45 पाँच पैंतालीस पे आ गई, इस टाइम बजे पूरे 3, तो हमको 2-2.5 घंटे हमारे पास ना वापस आना है, हमने अपना हल्की फुल्की शॉपिंग करनी और ग्रोसरी भी हल्की फुल्की कर लेंगे भाई ना, साथ में भी अपना गाड़ी वास्ते जो वो मेन सामान है। ये तो स्कूटर पर घूम रहा है, स्कूटर लेकर जाऊंगा इसकी ना, 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 चल बेटा ले एक बार भाई, मैं इसकी स्कूटर लेकर चले गए पवेलियन में, तो वहां हमारे काबू में नहीं आ रहा हो। हाँ इसे ही खड़ी कर दे बेटा, चलो चलो बेटा चलो। देखो कितनी चिड़िया लग रही इस पेड़ पर, ये देखो है ना ये चीज खा रही कुछ, ये रेड कलर आती है ना, हाँ पता नहीं क्या भाई ना रेड रेड कलर का ना, तो चिड़िया जो पक्षी है ना इस पर खाने वास्ते टमाटो कह रहे ना नमक खाई खा रहे भाई ना टमाटो। लो भाई पहुंच गया अपना पार्किंग में, और यहाँ से हमने टिकट मिल जाएगी 2 घंटे वास्ते, जो कि भाई 2 घंटे वास्ते फ्री हुआ यहाँ पे ना शॉपिंग। जो नेक्स्ट चैलेंज है वो अभी ना गाड़ी की जो पार्किंग है वो फाइंड करनी है। यस राइन चल तो रहा बेटा, ग्रीन लाइट नहीं लगी पार्किंग इधर, और साथ में हमने निकाल लेनी राइन की बग्गी, देखते हैं भाई होपफुली राइन का कुछ निकल जाए यहाँ पे ना। लो भाई अपन हो गया टैप, और अब हमने गेम खेलनी है, चल फिर कर ट्राई। किस तरह करना नहीं कुछ आईडिया,
ओ नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। ओ नो, एक और है चांस। सॉरी राइन बेटा, कुछ नहीं निकला। ट्राउजर तो ठीक है, हम राइन ने तो भूल ही गए पीछे। हेलोवीन का डेकोरेशन का ज्यादा सामान लग रहा भावना। ठीक है, लंबाई तो ठीक है इसकी ना, पर कलर नहीं समझ में आ रहा कौन सा कलर। ग्रेट ग्रे अच्छा लग रहा है, लाइट ग्रे ठीक लग रहा है। नहीं, लाइट जल्दी गंदा। चलो फिर ये ले लो। लो भाई, ये अपना सारा डन स्टोर ना। तो क्या बेटा? यस हैलोवीन, यस है ना। तो भाई ये सारी हैलोवीन की डेकोरेशन लग रही। रुक रुक रुक। लो भाई आज ना शॉपिंग सेंटर ना बिल्कुल सन्नाटा छह रहा, तो ना आस पास कोई भी नहीं है ना। लो भाई ये सारी शॉप खंगालने के बाद ये सारे कपड़े लग रहे ना दूर तक। तो ये दो पसंद आए तो भावने दे दिखाओ भाई ना कैसे लग रहे हैं। तो फिर इनको ट्राई करेंगे अंदर जाके ट्राई रूम में ना। भावने देखियो कैसे लग रहे, दो आए पसंद। ये तो कलर बिल्कुल भी नहीं सोना लग रहा। नहीं और ये ओके ओके, ये मेरे साइज का नहीं है। लेकिन पर ये आपके साइज का नहीं है, मेरे साइज का। ट्राई करके देख लो। तो वाइफ ने तो भाई बिल्कुल मना कर दिया भावना ने, तो ना तो एक बार ना ट्राई करके देख लो एक बार ना कैसा लगेगा। तो पहनने के बाद ही पता लगेगा भाई इसको रियलिटी आ गई। अपना ट्राई रूम लग रहा है। बस हो गई पर्ची बेटा, चल आ जाओ। गाड़ी किधर है? दिस वन। हाँ चलो बेटा, आप आगे बैठ गए, पीछे बैठो ना। राय मम्मा आने लग रही, मम्मा बैठाएगा आपको पीछे ना। तो भाई भावना भी जा रही नमना खाई लेने वास्ते रायन वास्ते, उसके बाद हमने सीधा जाना अभी अपना ग्रोसरी हल्की फुल्की शॉपिंग करनी। उसके वास्ते गाड़ी वास्ते ना अगर जो टाइम मिला ना तो वो जरूर बाय करना है अभी आज ना, जैसे पंक्चर वगैरह हो जाए ना गाड़ी ऊपर उठाने वास्ते। जैक इसे बंद कर दो बेटा, इसे बंद कर दो, मम्मा का वेट करते हैं अब। ठीक है, और घर का खिला दो इनते बच्चों दे ना, बाहर का तो भाई जंक फूड कुछ भी खिला दो, कितना भी स्पाइसी हो। नमी अरे इसका रिएक्शन देखना सामने आ गया भाई। अपना लिडल शॉपिंग है, इसने सारे रास्ते याद है अभी ना अपने लोकल। इस टाइम लो जी आ गया मैं अपना लीडल में, और यहाँ से अपना ग्रोसरी का हल्का फुल्का सामान बाय करना है। यार फिर भी कह रहा हाँ बेटा, हाँ नीनो नीनो, इसने तो नहीं मना करता जिस तरह रोटी ना कर देगा। इसमें तो मिर्च लगती नहीं अभी, जंक फूड तो कितना भी खिला दो किसी भी बच्चे देना, लेकिन घर का खिलाओगे तब करेंगे शीशे की। नहीं इसमें तो मिर्च है। अच्छा तो बेटा अपने आप करके आ जाएगा क्या शॉपिंग? अपने आप आ जाएगा भावना फिर। चल आ जाओ ठीक है बेटा, पैसे भी निकाल लिए अपने पॉकेट में थे। ना भाई एक एक सामान का पता भी हम क्या क्या बाय करा अपने ग्रोसरी वास्ते, तो उसना एक एक सामान छांट के रख देना भाई। अपना लेगा बेटा आइसक्रीम कैसा है बेटा? बढ़िया। ये हो गया अपना सारा ग्रोसरी का सामान। मांग रहा है भावना, ये मांग रहा है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड बेटा इतना खाया तो लिया रहा, इनकर जाएगा खाएंगे अपना। और खाना नहीं होता इसने वैसे ही, बस ना अभी मैकडोनल्ड का एक यहाँ पे ना वही बच्चों में क्रेज हुआ बहुत ज्यादा मैकडोनल्ड खाने का। तो भाई निकले अपने सीधा करके था बेटा, आराम से बैठा। अच्छा सीट बेल्ट बैठ लगाओ। ड्राइविंग लाइसेंस वाले कितने किस टाइम मेरी भावना? तो भाई अपना सीधा घर जाके ना, क्योंकि भावना का लास्ट लेसन आज ना ड्राइविंग का, तो वो करके ना कंप्लीट करके फिर कल ही बाय करेंगे भाई ना। मैंने भी गाड़ी वास्ते को लेना था बट आज नहीं ले सकते, तो कल ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हां बेटा बता, यो रसीद पढ़ रहे भावना भी कितने का है सामान? यो भी अपने मास्टर जी भाई जाएगा भाई ना, कितने का बना बेटा टोटल? तो वह गई भाई बाहर गाड़ी ना। लो भाई भावना चली गई अपना जो उसका लेसन था। तो मेरी एक घंटे की भाई ड्यूटी लगी है रायन को संभालने की। बेटा क्या खा रहे, चॉकलेट क्या है? तो ये थी भी आज की एक छोटी सी वीडियो, एंड गाड़ी वास्ते वो मेन था बट वो आज लेने गए क्योंकि भाई घर पे लेट पहुंचे आज हम ना, और साथ में कल लेके आ जाएंगे भाई, वो जरूरी है वैसे ना गाड़ी में रखना बेटा। तो भाई अपने डिनर डिनर भाई बना के खाएंगे। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।